हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे सेक्शन 6, जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 का सेक्शन 6। इसमें अमेंडमेंट किया गया, जिसके बाद काफ़ी चेंजेस आ गए। अमेंडमेंट किया गया 2005 के बाद, जो विद इफेक्ट फ्रॉम 9/9/2005, इससे इसमें काफ़ी संशोधन किया गया। तो सेक्शन 6 को पढ़ने से पहले हम दो चीज़ें देख लेते हैं। क्या जॉइंट हिंदू फैमिली और को पार्सनल, सहदाई की, ठीक है? जॉइंट हिंदू फैमिली ये गवर्न होता है मिताक्षरा लॉ से। इसमें कौन है, जो पर्सन है ये और इसके नीचे जो भी इसका सन, ठीक है, डॉटर, कौन है, अनमैरिड, इसकी वाइफ, सन्स डॉटर, ठीक है, सन्स सन, मतलब इस के जितने भी असेंडेंट हैं जो इसके इस पर्सन से नीचे जितने भी, चाहे वो लिंक 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड सो ऑन, कितने भी हों, कितनी भी शाखाएं हों, उसमें 1, 2, 3, 4 सभी जो है जॉइंट हिंदू फैमिली के मेंबर्स, ठीक है, जॉइंट हिंदू फैमिली के मेंबर्स हैं ये। और इसकी अगर मैं बात करूं तो ये अनमैरिड है, तब तक तो ये इसी पर्सन की जॉइंट हिंदू फैमिली का मेंबर है, लेकिन जैसे ही इसकी शादी हो जाती है, ठीक है, तो ये अपने हस्बैंड की फैमिली में चली जाती है, वहाँ इसकी काउंटिंग होती है। लेकिन एक बात ध्यान रखना है कि अगर ये विडो हो जाए या इसका परित्याग कर दिया जाए, ठीक है, तो ये वापस जो है यहाँ पर आ सकती है और फिर ये किसी व्यक्ति की जॉइंट हिंदू फैमिली का मेंबर हो जाएगी, ठीक है, एक बात तो ये। अब बात करते हैं कोपार्शनरी की। कोपार्शनरी में जो है हम 4 पीढ़ी तक सन, इसका सन सन और सन सन सन, केवल 4 पीढ़ी तक की बात करेंगे, ठीक है, और जॉइंट हिंदू फैमिली में कितनी भी, 4 के बाद 5, 6, 7, 8 कितनी भी पीढ़ी हो, उसके सभी लोग जो है जॉइंट हिंदू फैमिली के मेंबर हैं। लेकिन अगर कोपार्शनरी की बात की जाए तो कोपार्शनरी में केवल ये 4 पीढ़ी तक ही हम इसको काउंट करेंगे, ठीक है, और ये जो कोपार्शनर है, ठीक है, इनको इनके जन्म के साथ ही इस संपत्ति में राइट मिल जाता है और इनको पार्टीशन का राइट होता है, ये चाहे तो पार्टीशन करा सकते हैं, केवल इन चारों को, ठीक है। अब इस संबंध में एक एग्जांपल देख लेते हैं कि
मान लीजिए ये पर्सन है, ठीक है, ये इसकी वाइफ, ये इसका सन, ये इसकी डॉटर। अब इसकी प्रॉपर्टी का विभाजन करना है, पार्टीशन करना है, ठीक है, तो कैसे होगा? तो जो प्रॉपर्टी है, एंसेस्टर प्रॉपर्टी है, अगर हम देखें इसकी प्रॉपर्टी को बांटने से पहले कि इसका अंश, इसको कितना अंश मिल रहा था उसमें, तो कितने लोग हैं, 1 2 3 4, तो 1/4 इसका, 1/4 इसका, 1/4 इसका और 1/4 इसका, सॉरी डॉटर को पार्शनरी नहीं है तो इसको हिस्सा नहीं मिलेगा। ये मैं बात कर रहा हूं बिफोर 2005 की, ठीक है। अब इसका 1/4 ये जो पार्ट है ये डिवाइड होगा, ठीक है, जो सक्सेशन के हिसाब से, तो 1/4 का 1 2 3 कितना हो गया, ठीक है, प्लस 1/12, 1/12 और 1/12, तो ये स्थिति बनती थी 2005 से पहले, ठीक है, कि इनको कितना आ गया, 1/4 + 1/12, डॉटर को कितना मिला, सिर्फ 1/12 उस प्रॉपर्टी का। लेकिन 2005 के बाद, आफ्टर 2005, ये जो अब ये भी कोपार्शनरी बना दिया, तो इसको भी जो है क्या हिस्सा मिलेगा, वन अपॉन थ्री, ठीक है, तो ये हो जाएगा फिर 1/9, 1/9 और 1/9। अब 1/4, 1/4 और 1/4, अब फिर अगर इसकी मृत्यु हो जाती है, ठीक है, इसका 1/3 मिला इन सबको, तो अब इनका प्लस 1/12 + 1/12 + 1/12, इस तरीके से ये प्रॉपर्टी जो है डिवाइड होगी, क्योंकि 2005 में डॉटर को भी को पार्टनर बना दिया गया, ठीक है। अब सेक्शन 6 पर चलते हैं, सेक्शन 6 का क्लॉज 1, ठीक है, इसमें इस डॉटर को भी क्या बना दिया, तो को पार्टनर बना दिया, और जो ये इसको राइट मिला है, ये कैसे मिला है, ये को पार्टनर बनी है बाय बर्थ, ठीक है, जन्म से इसको ये राइट मिला है। मान लीजिए इसका जन्म 2005 से पहले हुआ कभी, और जो पार्टीशन होगा वो 2005 के बाद हो रहा है, तो ये कोपार्शनर मानी जाएगी और इसको जो है संपत्ति में हिस्सा मिलेगा। दूसरा, इसके राइट और लायबिलिटी, इसकी राइट और लायबिलिटी वही होंगी जो इस सन की होती है। इसकी राइट और लायबिलिटी कैसी होंगी, जो उस बेटे की राइट्स हैं उसी के बराबर उसके राइट्स होंगे, और जो उसकी लायबिलिटीज हैं उसी के बराबर इसकी लायबिलिटीज होंगी, ठीक है। दूसरा ये कहा गया, पहला क्लॉज 2 ये कैसी बात, ये बात करता है कि इसको जो राइट मिला है कैसा है, एब्सोल्यूट राइट है,
एब्सोल्यूट राइट है, ठीक है। और ये जो डॉटर है इस प्रॉपर्टी में पार्टीशन क्लेम कर सकती है, ठीक है। और ये क्या है, एब्सोल्यूट ओनर है इसकी, इस प्रॉपर्टी में पार्टीशन क्लेम कर सकती है और ये इसकी एब्सोल्यूट ओनर है और इसका डिस्पोजिशन कर सकती है जैसे वो चाहे उस तरीके से, ठीक है। दूसरा पॉइंट ये हुआ। तीसरा पॉइंट, तीसरा क्लॉज डिस्कस कर लेते हैं। तीसरे क्लॉज में क्या है, नोशन पार्टीशन है, ये धारणा उपबंध है, प्रजम्पशन करके चलेंगे, ठीक है। पहले क्या होता था, इसमें सर्वाइवरशिप का प्रिंसिपल था, ठीक है, सर्वाइवरशिप ये क्या है कि भाई जो ये पर्सन है, ठीक है, इसका ये सन है, इसका सन है, मान लीजिए ये इसकी मृत्यु हो जाती है तो ये प्रॉपर्टी जो है किसको चली जाएगी, इन दोनों को चली जाएगी, क्योंकि ये कोपार्टनर है। उत्तरजीविता का जो सिद्धांत था कि भाई इनको ये प्रॉपर्टी दे दो, ठीक है। तो अब क्या है, सर्वाइवरशिप का प्रिंसिपल 2005 के बाद इसको हमने हटा दिया कि भाई प्रॉपर्टी अब इस तरीके से नहीं जाएगी इनको, बल्कि जो प्रॉपर्टी है अब वो हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 इसके हिसाब से जाएगी। अगर वो प्रॉपर्टी है उसमें या तो उसकी विल हो या इंटेस्टेट, अगर वो मर गई है तो निर्वस्यति उसकी मृत्यु हो गई है तो उसकी जो प्रॉपर्टी है वो कैसे जाएगी, इस तरीके से जाएगी, इंटरस्टेट है तो 1956 के अकॉर्डिंग, और अगर वसीयत की है तो वसीयत के अकॉर्डिंग। लेकिन जो सर्वाइवरशिप का सिद्धांत था कि प्रॉपर्टी जो है इनको पार्टनर्स में चली जाएगी, वो अब सिद्धांत उसको खत्म कर दिया है, ठीक है। इसका क्लोज 4 ये क्या है, ये एक पायस ऑब्लिगेशन है, पायस ऑब्लिगेशन क्या है, 2005 से पहले क्या होता था कि मान लीजिए ये पर्सन इसकी मृत्यु हो गई और ये इसके बेटे ये हैं, तो बेटा बेटे का बेटा, बेटे के बेटे का बेटा, तो इसकी मृत्यु हो जाती है, इसने कोई डेब्ट लिया हुआ है, कोई कर्जा लिया हुआ है, तो इनका ये ऑब्लिगेशन होता था पर्सनल कि ये उस कर्जे को उतारे, उसका बेटे का बेटा या बेटे के बेटे का बेटा, इन पर ये ऑब्लिगेशन होता था कि ये उस कर्जे को उतारेंगे। लेकिन 2005 के बाद ये ऑब्लिगेशन जो है इसको समाप्त कर दिया गया है। अब ये जो ये बेटा है या ये है, ये पर्सनली इस कर्जे के लिए लायबल नहीं है, ठीक है। अगर ये जो कर्जदार है ये चाहे तो इसकी प्रॉपर्टी का जो प्रॉपर्टी जो इसके हिस्से में आती है उससे जो है उसको बेक करके, उसको विक्रय करके उस अपने जो ऋण है उसको वसूल कर सकते हैं, लेकिन इनका कोई पर्सनल ऑब्लिगेशन नहीं। क्लॉज 5 ये बात करता है 20 दिसंबर 2004 इससे पहले कोई पार्टीशन अगर हो गया है प्रॉपर्टी का,
या उसने उसको सेल आउट कर दिया है, ठीक है। तो अगर 2020 दिसंबर 2004 से पहले हुआ है, तो डॉटर जो है इस पार्टीशन को, इस विक्रय को किसी भी कोर्ट में क्लेम नहीं कर पाएगी, ठीक है। तो ये पांचों क्लॉज हमने इसमें पढ़ लिए, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।